हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। सो आज हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2019 में जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं उसे आज हम अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे और फ्यूचर में जो आने वाले एग्जाम हैं जैसे SSC, RRB, NTPC, UPSC, UPPSC लेक्चरर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आपको हर नोबेल लॉरियट के नाम के साथ साथ उसका काम भी याद रखना है ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन घुमा के दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और सही आंसर दे पाएं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी एग्जाम में वर्क दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये वर्क किस नोबेल लॉरियट को नोबेल प्राइज मिला है। इसलिए अगर आप नोबेल लॉरियट के नाम के साथ साथ उसका काम भी याद रखेंगे तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि 2019 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसे दिया गया है। तो इसे तीन लोगों को दिया गया है, जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर एंड डाइडियर क्वेलोज को दिया गया है। इन्हें किस वजह से दिया गया है ये भी देख लेते हैं। तो इन्हें नोबेल प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ प्लेस इन द कॉस्मोस के लिए दिया गया है, जिसमें हाफ ऑफ द प्राइज जेम्स पीबल को फॉर थियोरिटिकल डिस्कवरीज इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी और दूसरा हाफ ज्वाइंटली माइकल मेयर एंड डेडियल क्वेलोज को फॉर द डिस्कवरी ऑफ एन एक्सो प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार। चलिए अब देख लेते हैं कि 2019 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको दिया गया है। तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज ज्वाइंटली जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंगम एंड अकीरा योशिना को दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। दिस लाइट वेट डिस्चार्जेबल एंड पावरफुल बैटरी इज नाउ यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम मोबाइल फोन्स टू इवन लैपटॉप्स एंड आल्सो टू अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। दीज बैटरीज कैन आल्सो स्टोर सिग्निफिकेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोलर एज वेल एज विंड पावर, मेकिंग पॉसिबल अ पॉसिबल फ्यूल फ्री सोसाइटी। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा अगला नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसे दिया गया है। तो 2019 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में ज्वाइंटली विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रेडक्लिफ एंड ग्रेग एल सेमेंजा को दिया गया है। अब ये भी देख लेते हैं कि इन्हें किस वजह से दिया गया है। तो इन्हें फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ हाउ सेल्स सेंस एंड अडाप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की वजह से दिया गया है। इसके अलावा सेल्स की मॉलिक्यूलर मशीनरी का पता लगाया इन्होंने जो जीन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। चलते हैं हमारे अगले नोबेल प्राइज की तरफ। तो हमारा अगला नोबेल प्राइज लिटरेचर की फील्ड में है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2018 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर नहीं दिया गया था क्योंकि पिछली बार कुछ एलिगेशन लगे थे, तो इसीलिए 2018 का नोबेल प्राइज भी इसी साल 2019 में दिया गया है। तो 2018 का नोबेल प्राइज पोलैंड की ऑथर ओल्गा टोकारजुक को दिया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि इन्हें क्यों दिया गया है। तो इन्हें फॉर अ नैरेटिव इमेजिनेशन दैट विद इनसाइक्लोपेडिक पैशन रिप्रेजेंट्स द क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्रीज एज अ फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए दिया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले नोबेल प्राइज की तरफ जो 2019 में लिटरेचर में दिया गया है। तो 2019 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसे दिया गया है। तो 2019 का नोबेल प्राइज ऑस्ट्रिया के एक नोबेल लॉरिएट पीटर हैंडके को दिया गया है। अब क्यों दिया गया इसका रीजन भी जान लेते हैं। तो उनको फॉर एन इन्फ्लुएंसियल वर्क डेट विद लिंग्विस्टिक इंजीन्यूटी एंड एक्सप्लोर द पेरिफेरी एंड द स्पेसिफिसिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले नोबेल प्राइज की तरफ। तो अगला नोबेल प्राइज पीस की फील्ड में दिया गया है। तो इसमें एबी अहमद अली जो कि फर्स्ट इथियोपियन है जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। अली अहमद अली एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अप्रैल 2018 से। इनका जन्म बेसासा में हुआ था जो कि इथियोपिया में प्रेजेंट है। इन्हें 2019 का नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। आप ये भी जान लेते हैं कि इन्हें ये नोबेल प्राइज क्यों मिला है। तो इन्हें ये नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट वर्क विच इज रिलेटेड टू प्रमोट कॉन्सिलेशन सॉलिडेरिटी एंड सोशल जस्टिस अलॉन्ग विद दिस प्राइज इज आल्सो मेंट
टू रिकॉग्नाइज ऑल द स्टेक होल्डर्स वर्किंग फॉर पीस एंड रिकॉन्सिलेशन इथियोपिया एंड इन द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन रीजन्स के लिए दिया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले नोबेल प्राइज की तरफ। तो हमारा अब देख लेते हैं कि हमारा अगला नोबेल प्राइज किस फील्ड में है। तो हमारा अगला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस की फील्ड में है। तो 2019 का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस में किसे दिया गया है? तो 2019 का नोबेल प्राइज अभिजीत बनर्जी, ईस्टर डफलो एंड माइकल क्रैमर को दिया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि इन्हें किस वजह से दिया गया है। इन्हें फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेट द ग्लोबल पॉवर्टी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अभिजीत बनर्जी जो कि इंडियन ओरिजिन के नोबेल लॉरिएट हैं, ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडियन ओरिजिन के अभिजीत बनर्जी को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस से नवाजा गया है। दे हैव प्लेड अ डिसिजिव रोल इन रीशेपिंग रिसर्च इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। देयर रिसर्च हैज ऑलरेडी हेल्प इन एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी एंड हैज ग्रेट पोटेंशियल टू फर्दर इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द मोस्ट इम्पोवराइज्ड पीपुल ऑन द प्लेनेट। अब हमारा वीडियो अब समाप्त होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।